हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति बाप्पा के लिए एक बहुत ही सुंदर सी माला, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वूल, कोई भी दो कलर ले लेंगे, सुई धागा या ऑर्डिनरी जो हम धागा यूज करते हैं सिलाई के लिए वही लिया है, सीजर और स्केल। तो जो मेरे पास जो ये स्केल है वो लगभग 5 इंच लंबा, इसकी जो लंबाई है 5 इंच लंबाई है इसकी, और चौड़ाई में है ये 1.5 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी साइज का ले सकते हैं, मैंने इस तरह का लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुई में धागा डाल लीजिए और जितनी लंबी हमें गार्लैंड या माला चाहिए उतना ही लंबा हमें धागा इसको सुई में ले लेना है। थोड़ा सा उससे लंबा रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, जैसे स्केल लेंगे उसके बाद में इसको इस तरह से थंब की हेल्प से यहाँ पे लग इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद में इसको पूरे पे लपेटते चले जाएंगे। देखिए, हमने जो स्टार्टिंग किया है उसको ऐसे प्रेस करना है और उसके बाद में पूरे पे ही हमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना है, उसके बाद में ये पूरा इस पे पास पास इस पे लपेटते जाएंगे। इस तरह से पूरे स्केल पे हमने ये लपेट दिया है वूल, और ओवरलैप नहीं करना है, पास पास लपेटना है इसको। इसके बाद में इसको कट कर देंगे। अब हम ये निडल लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में एक एक जो इसका जो वूल का जो थ्रेड है उसमें डालते चले जाएंगे। बिल्कुल सेंटर में डालना है इसको। मैंने ये जैसे यहाँ नॉट लगा रखी है तो इतना पीस छोड़ देना है और उसके बाद में करना है इसको। आप निडल बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। ऐसे निकालना है, बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि थ्रेड कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से पूरे में हमें निकाल लेना है। इस तरह से पूरा हमें यहां से निडल डालना है और यहां तक निकाल लेना है। ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में बैक साइड से हमें लेके और इसको सीजर या आप पेपर कटर भी ले सकते हैं, किसी कटर की हेल्प से इसको कट करना है। बिल्कुल सेंटर में से इसको कट करना है। पूरा जब कट हो जाएगा तो ये स्केल निकाल लीजिए, फिर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जिस तरफ निडल है उस तरफ से हमें इसको बहुत ही धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ करना है। बहुत आराम से कीजिएगा, नॉट नहीं लगनी चाहिए इसमें।
तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद फिर से हमें वही प्रोसेस दोहराना है। इस पे मैंने ये ग्रीन कलर लिया है तो मैं दोबारा से ग्रीन ही कलर लेऊंगी। आप चाहे तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं। सेम मैं पहले वाला प्रोसेस ही दोहराऊंगी। स्केल लेके और इसको फिर से इसको इस पे फोल्ड करते चले जाना है इसको। दूसरी बार भी मैं सेम वही लूंगी, निडल वही रखनी है निडल हमें, और उसी निडल को हमें यहां से सेंटर में लेते हुए इसको निकालते चले जाना है। जैसे हमने पहले वाला प्रोसेस किया था सेम वैसे ही निडल और थ्रेड वही रहेगा। इस तरह से हमें निकाल के और वैसे ही कट कर लेना है। इस तरह से जितनी हमें लंबाई चाहिए वो हमें इस पे करना है। तो जैसे दो मैंने दो बार लपेट के किया है इस स्केल पे, ये दो बार सेम प्रोसेस दोहराया था। अब मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, रेड कलर, उसको भी ऐसे ही लपेटेंगे इस पे, पूरा ऐसे ही लपेटेंगे और सेम वही उसी निडल में हमें सेम प्रोसेस दोहराना है। तो हमारी माला ये शेप देने लगेगी। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगी। दूर से देखने के पे बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे फ्लावर्स की माला होती है इस तरह से। इस तरह से हम ये पूरी माला तैयार कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम वापस से सुई में धागा डालेंगे और एक मोती नॉट लगा के एक मोती डाल देंगे। इसके बाद हमें रेड कलर का वूल लेंगे और इस पे सेम प्रोसेस करेंगे, उसको पूरा लपेटेंगे। इस तरह से हम बना लेंगे मोती लगा के। अब ये जो माला है उसका सेंटर पॉइंट लेंगे यहां से, इसके बाद में इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। सिंपल सा नॉट लगा देना है यहाँ। इसी तरह से हम एक और ये बना के यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारी ये ब्यूटीफुल सी माला रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। Thank you for watching.